मुंबई में अभी अभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अभी अभी खबर आई है कि एक अनियंत्रित कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी है। ये तस्वीरें मुंबई के CSMT की है, जहां पर व्यस्त रोड पर अचानक एक अनियंत्रित गाड़ी आती है और सीधे पुलिस वैन के अंदर घुस जाती है। ये तस्वीरें CSMT की, कुछ देर के लिए इलाके में भगदड़ सी मच गई। जिस तरीके से अचानक में ये हादसा हुआ, लोगों को कुछ समय के लिए कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, पुलिस वैन है, सामने एक गाड़ी खड़ी है जहां पर गाड़ी को कुछ डेंट हुआ है गाड़ी में, और साथ ही कांच टूटे हुए हैं और पुलिस के वैन में भी नुकसान हुआ है। चलिए खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन 4 लोग गंभीर रूप से इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 4 में से 3 की हालत काफी ज्यादा सीरियस। अभी अभी खबर आई है कि एक अनियंत्रित कार ने पुलिस वैन को टक्कर मारी है। 3 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल है। मुंबई के CSMT स्टेशन के पास मैकडॉनल्ड्स के सामने एक स्पीडिंग कार ने 4 लड़कों को उड़ाया और पुलिस वैन को जाकर टक्कर मार दी। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के सीनियर PI नितिन तड़के ने बताया कि स्पीडिंग कार ने 4 लड़के को उड़ाया है, 3 सीरियस है और उन्हें ICU में एडमिट किया गया है। आगे की जानकारी फिलहाल, अभी तक जितनी जानकारी मिल रही है उतनी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि ये भीषण एक्सीडेंट, अब क्या कार चालक नशे में था या कार का ब्रेक फेल हो गया था, किस कारणवश ये घटना हुई, कार अचानक से अनियंत्रित कैसे हो गई, इस सब की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। आजाद मैदान पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वो एक उद्योगपति बताया जा रहा है, बिजनेसमैन बताया जा रहा है। मस्जिद बंदर में इसके कार चालक की एक दुकान है, आरोपी की एक दुकान है। वो अपने घर जा रहे थे और घर जाते वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। बता देते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं उनके नाम, विजय रमावध राजभर जिनकी उम्र 18 साल है, सदम अंसारी 17 साल के, अजय गुप्ता 18 साल के, प्रवीण 18 साल के, सभी कोलाबा में रहते हैं जहां फुटबॉल खेलने जा रहे थे और CSMT स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। 3 की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर है, ICU में वो भर्ती है, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये टाटा टियागो कार जब यू टर्न ले रही थी मैकडॉनल्ड्स से, उस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। पहले इसने बेस्ट बस को टक्कर मारी, फिर जाकर पुलिस वैन से टकरा गई और इस टक्कर में 4 लोग, इस तमाम हादसे में 4 युवक घायल हो गए, जिसमें से 3 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि ICU में भर्ती कराया गया है।